क्या आपका इंस्टाग्राम अकाउंट कभी हैक हुआ है? नहीं भी हुआ तो कभी ना कभी आपके मन में तो आया होगा कि अगर मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हो जाए तो मुझे क्या करना चाहिए, ऐसा क्या करूं जिससे मेरा जो इंस्टाग्राम अकाउंट है वो कभी हैक ना हो, और कैसे मैं अपने अकाउंट को हैक होने से बचा सकता हूं। तो मेरा भी भाई इंस्टाग्राम अकाउंट मैंने क्रिएट करा तो हैक हो गया था, और कैसे भाई मैंने उसे 5-10 मिनट के अंदर रिकवर करा, वही आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूं। बस आपको क्या करना है, वीडियो में एंड तक बने रहना। तो मैं आपको बताता हूँ भाई कि जो अकाउंट हैक होता है ना वो कैसे होता है। जैसे कि मैं नॉर्मली इसी जो इंस्टाग्राम अकाउंट को दिख रहा है ना, इसका यूज़ कर रहा था, तो मेरे को ना एकदम तो लिखा हुआ आया यू हैव बीन लॉक्ड आउट। तो जब आपका अकाउंट हैक होगा सेम इंटरफेस आपको भी शो होगा। तो फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जिसके पास भी आपके अकाउंट का एक्सेस आता है ना वो सबसे पहले पासवर्ड चेंज करता है, इसलिए आप ना लॉग आउट हो जाते हो। तो फिर उसके बाद कैसे पता चलेगा कि भाई सही में हैक हुआ है फिर नहीं हुआ है? देखो कभी कभी तो आपने पासवर्ड चेंज किया रहता है, इस चक्कर में आप खुद लॉग आउट हो जाते हैं। पर अगर वो पता करना कि कोई दूसरे ने आपका पासवर्ड चेंज करा, तो आपको ना यहाँ पे एक नोटिफिकेशन भी आ जाता है। मैं आपको नोटिफिकेशन भी दिखा देता हूँ। जैसे कि मेरे को एक नोटिफिकेशन आया था, यहाँ से मैं दिखाता हूँ कि एन अनरिकग्नाइज सैमसंग SM SN01B जस्ट लॉग्ड इन नियर आयरेनोपोलिस BR। अभी कौन सा फ़ोन है इसमें, मेरे को उसके बारे में तो नहीं पता। अब आप बोलोगे जब मैं लॉग आउट हो चुका हूँ तो मैं इसे कैसे देखूंगा, मैं बता दूँगा। अगर आप लॉग आउट हो गए हो ना, आपको जो जीमेल रहता है ना उस पर भी आपको मैसेज आएगा, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि मेरे को आया था न्यू लॉग इन ऑन इंस्टाग्राम, सेम वो मोबाइल का नाम यहाँ पे आ गया। तो देखो भाई, पहली बात तो ना मैं इस बंदे को जानता हूँ, ब्राज़ील के लोग को मैं कैसे जानूंगा। एक ब्राज़ील के कोई बंदे ने अकाउंट हैक करा, अब ज़रूरी नहीं कि वो जो बंदा है वो ब्राज़ील का ही हो सकता है कोई इंडिया का ही हो, जिसने VPN वगैरह का यूज़ करके ये सब करा हो। तो ठीक है भाई, अगर मेरा अकाउंट कोई ने अब लॉग इन कर लिया, अब क्या वो वापस आ सकता है? हाँ भाई आ सकता है। जैसे कि उसने आपके अकाउंट को हैक करा तो उसके एक्सेस चला गया, कैसे करा होगा? देखो, अगर आपने कोई लिंक वगैरह पे क्लिक नहीं करा, जैसे कि मैंने कोई लिंक पे क्लिक नहीं करा, मैं नॉर्मली सिर्फ इंस्टाग्राम का यूज़ कर रहा था, क्योंकि मैं इन सब चीज़ से ऑलरेडी अवेयर रहता हूँ। मेरे को मालूम है कि किसी लिंक को क्लिक नहीं करना, फिशिंग के थ्रू मेरा अकाउंट ईजिली हैक हो सकता था, पर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं करा। तो फिर कैसे हैक हो गया? देखो भाई, मेरे जो अकाउंट था ना उसमें मैंने कोई भी सिक्योरिटी चेकअप की चीज़ें अभी नहीं करी थी, जो इंपॉर्टेंट रहती हैं अकाउंट को सिक्योर करने के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं करता, इसलिए मेरा अकाउंट हैक हुआ। तो उसके पासवर्ड चला गया। तो देखो भाई, जो अभी इंस्टाग्राम है ना, आज के टाइम में बहुत ज़्यादा अवेयर हो चुका है। अगर किसी के पास आपका अकाउंट चला गया तो वो कम से कम 1-2 हफ्ते तक तो आपके अकाउंट में कुछ भी छेड़छाड़ नहीं कर सकता, क्योंकि इंस्टाग्राम ने एक फीचर ला दिया, जब भी ऐसा कुछ ट्राई करेगा ना तो उसके में ये लिखा हुआ आएगा कि आपने इस अकाउंट में पहली बार लॉग इन करा है, अगर आपको कुछ भी पासवर्ड वगैरह चेंज करना है तो ऐसे फ़ोन से ट्राई करो जिसमें आपने पहले कभी लॉग इन कर लिया हो, तो इसलिए वो कुछ भी ऐसा चेंज वगैरह नहीं कर पाएगा। तो उसके बाद आपको क्या करना चाहिए, जैसे कि भाई मेरे साथ ऐसा हुआ, तो तुरंत मेरे हाथ में फ़ोन था, तो जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी आपको ये कुछ स्टेप्स करनी पड़ती हैं। अब जैसे कि मैं तो भाई अकाउंट से लॉग आउट हो गया था, तो फिर मैंने क्या किया, मैं आपको अपने एक स्क्रीन रिकॉर्ड में दिखाता हूँ जो मैंने उस समय रिकॉर्ड कर लिया था। तो देखो भाई, सबसे पहले मैंने क्या करा, मैं ऐड अकाउंट में गया, मैंने अपना यूज़र नेम लिख दिया, और यूज़र नेम लिखने के बाद मैंने ना फॉरगॉटन पासवर्ड पर टैप करा। अगर वो सामने वाले ने अगर आपका यूज़र नेम चेंज कर दिया ना, तो यहाँ पे ईमेल डाल देना। तो आपने जो जीमेल डाला था ना उस पर अब इंस्टाग्राम की तरफ से मैसेज आएगा कि आप जिससे इजीली रिकवर कर पाओगे। जैसे कि मेरे को आ गया, अब यहाँ से ना मैंने सबसे तो लॉगिन कर लिया, पर लॉगिन करने के लिए मैंने सोचा कि भाई मेरे को पासवर्ड भी एक बार चेंज कर लेना चाहिए। मैं पासवर्ड भी चेंज करूँगा अभी, पर पहले तो आपके जीमेल पे एक नोटिफिकेशन आएगा जिससे आप का कंफर्म हो जाए कि आप सही बंदे हो, आपका ही ये अकाउंट है, क्योंकि सामने वाला अभी जीमेल भी चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि इंस्टाग्राम अभी ज़्यादा सिक्योर हो चुका है, तो हर कोई बंदा आपका अकाउंट को हैक नहीं कर पाएगा। तो मैंने ये OTP यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया और मैंने कंफर्म पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ से ना मैं अपने पासवर्ड को भी चेंज कर सकता हूँ। तो मैंने सबसे पहले क्या करा, अपने पासवर्ड को यहाँ से चेंज कर लिया। फिर आपको ना उसके बाद क्या करना है, एक बार रिव्यू प्रोफाइल पर टैप करना है। अब देखो, जैसे ही आप भाई लॉगिन हो जाओगे ना, आपको सबसे पहले आएगा सिक्योरिटी चेकअप, क्योंकि जो इंस्टाग्राम है ना वो खुद भी समझ जाता है कि आपका अकाउंट अभी किसी ने हैक कर लिया था और अभी आपने रिकवर करा है। तो आपको गेट स्टार्टेड पे टैप करना है। तो यहाँ पे जितने भी चीज़ें दी गई है ना, आपको इन्हें फिल कर देना। आप सबसे पहली बात आती है भाई मेरा अकाउंट हैक कैसे हुआ होगा, तो वो हुआ होगा हिट एंड ट्रायल मेथड से, क्योंकि मेरा जो पासवर्ड था वो बहुत ज़्यादा मैंने कॉमन डाल के रखा था, ऐसे ही बनाया था अकाउंट को, तो इसलिए उसने ईजिली हैक कर लिया हिट एंड ट्रायल मेथड के हिसाब से। तो आपका अकाउंट हिट एंड ट्रायल मेथड के हिसाब से भी हैक हो सकता है, जरूरी नहीं कि आपने लिंक पे क्लिक करा तो ही हैक हुआ। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले पूरी सिक्योरिटी चेकअप की चीज़ों को फिल कर लेना है, जैसे मैंने कर लिया है। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो फीचर था ना, वो था 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन का, आपको उसे भी जल्दी से यहाँ पे टाइप कर देना, जिससे आपको जो अकाउंट है वो और ज़्यादा सिक्योर हो जाएगा। फिर ऐसे ये सब फिल करने के बाद आपको कंटिन्यू पे टैप कर देना है। फिर आप देख सकते हो आपको जो अकाउंट है ना वो और ज़्यादा सिक्योर
हो जाएगा। फिर आपका अकाउंट जैसे लॉगिन हो जाएगा ना, आपको तो सबसे पहले जो चीज़ शो होगी ना नोटिफिकेशन टैप में, वो मैं आपको जल्दी से शो कर देता हूँ यहाँ पे, वो चीज़ शो होगी कि किसने आपका अकाउंट लॉगिन कर लिया था। तो ये बाहर कंट्री में पता नहीं किसने मेरा अकाउंट हैक करने का ट्राई करा था और क्यों करा था वो तो मेरे को नहीं मालूम, पर कैसे आपको डील करना है अगर कोई आपका अकाउंट हैक कर ले तो अब वो सब आपको क्लियर हो गया हो। अब आप देख सकते हो कि भाई ये वही सेम अकाउंट है और इसका मैं वही नॉर्मली यूज़ कर रहा हूँ और रीच वगैरह भी कुछ मेरी गई नहीं है। इसे नॉर्मली मैं अपलोड कर रहा था, लाइक्स वगैरह सब आ रहे हैं और जैसे नॉर्मल अकाउंट वर्क करते हैं ना वैसे मेरा अकाउंट वर्क कर रहा है। तो मुझे यही उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर कर देना क्योंकि उन्हें भी पता चल सके कि ऐसे सिचुएशन में कैसे डील करते हैं। अगर आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, अगर आपको डाउट आ रहा है तो कमेंट में भी पूछ सकते हो और इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकते हो। सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो।